हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो जो है शुरू कर रहा हूँ मैं दरगाह पे, हज़रत बल दरगाह जो कि NIT के साथ में ही है। तो आज मैंने सोचा इधर ही घूम लिया जाए क्योंकि आज जो है बारिश पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं आज इधर आया हूँ और दिखाता हूँ आज इधर के शॉट्स कुछ, इधर से हर किसी एंगल से इसके शॉट्स लेते हैं हम, देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं। तो ये रहा दरगाह का इस साइड का व्यू। तो फिलहाल यहाँ पर ये सारे पेड़ जो है काट के रखे हुए हैं, क्यों काटें वो तो हमको पता नहीं है, बाकी हर कोई पेड़ यहाँ पे कटा हुआ ही है। और इधर से देखिए डल लेक, यहाँ पे शिकारा चल रहा है और यहाँ पे फूल देखिए कितना अच्छा है, और वहाँ ऊपर बर्फ़ पड़ रही है। तो कल के व्लॉग में जो है हम उस साइड थे और आज के व्लॉग में हम इस साइड हैं, तो दिखाता हूँ अभी मैं किस साइड थे हम। तो उस साइड थे वहाँ पे हम कल के व्लॉग में, और यहाँ पे देखिए चार चिनार हैं और यहाँ पे है दरगाह। तो अभी हम जो है दरगाह के बाहर है ऊपर, यहाँ पे कैमरा जो है नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही रहेंगे हम। बाहर के सारे शॉट्स दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे कबूतर कितने ज़्यादा उड़ रहे हैं भाई, सही है यार, कम से कम 2000 कबूतर यहाँ से उड़ रहे हैं। तो ये दरगाह का आउटसाइड व्यू जहाँ से अभी कबूतर उड़ रहे थे। यहाँ पे देखिए बतख का बच्चा कितना छोटा सा और प्यारा है। तो ये रहा फ्रंट व्यू दरगाह का डल लेक वाली साइड से। तो फ्रेंड्स देखिए कल शाम को नई नई बर्फ़ पड़ी है वहाँ पे पहाड़ पे, देख सकते हैं आप सारे पहाड़ जो है सफ़ेद चादर में लिपटे हुए हैं, और यहाँ पे दरगाह भी बिल्कुल सफ़ेद है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे परमिशन लगती है वीडियो बनाने के लिए। तो अभी हम थे दरगाह में, यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं बाहर, वहाँ पे जहाँ से शिकार होता है वहाँ से देखते हैं वीडियो बनाते हैं कुछ। बनते रहिए इस व्लॉग में, देखिए और लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए, अपने सभी रिश्तेदारों में भेजिए, अपने सब दोस्तों में भेजिए, दोस्तों के दोस्तों को भेजिए, एक बंदे को बोलिए कि तीन बंदों को भेजो, और हर किसी तीन बंदे को बोले कि अगले तीन बंदों को बोलिए। ये जो जय थी जय हो फिल्म में थी किसी में, तो वही हम इधर चलाएँगे। फ्रेंड्स अभी तक हम उधर थे, अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे शिकारे होते थे आगे पीछे, लेकिन आज क्यों नहीं है पता नहीं, शायद बारिश है इसलिए। तो इधर से अभी मैं आपको चार चिनार दिखाता हूँ और हज़रत बल शाइन भी, और पीछे पहाड़ भी देख सकते हैं, बहुत कुछ इधर पे दिखाने के लिए, तो बनते रहिए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स ये रहा चार चिनार और ये रहा दरगाह हज़रत बल शाइन, और यहाँ से मार्केट होती है दरगाह की, दरगाह के बाहर साइड यहाँ पर फ्राइडे के दिन सेल होती है फ्रेंड्स, तो जो जो आएगा फ्राइडे के दिन वो यहाँ से बहुत कुछ ले सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे जो है फ़ोटो शूट कर लिया है, फ़ोटो शूट उठा लिए है, रील्स चढ़ा लिए, इंस्टाग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे जो है व्यू जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी बारिश जो है पड़ना शुरू हो गई है, तो चलते हैं इधर से हम। तो यहाँ से जो है सेल लगती है फ्राइडे की, आज फिलहाल बारिश इसलिए बाकी की शॉप बंद है, फिलहाल खिलौने की शॉप खुली है, दिखाते हैं बाकी का मार्केट भी आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो है सेल लगती है, लेकिन आज फिलहाल सारी लगभग दुकानें बंद हैं, तो कुछ ही दुकानें खुली हैं मीट्स की सिर्फ, तो दिखता है मिलता है कुछ की नहीं। अभी मैंने सोच लिया है कि अब मैं जाऊँगा नवाटा जामे मस्जिद, तो मिलते हैं आपसे वहीं पर सीधे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ नवाटा जामे मस्जिद के बाहर, और यहाँ से मार्केट जो है शुरू है, और अजान भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़नी है अभी हमने, तो दिखाते हैं मार्केट और पढ़ते हैं नमाज इधर पर हम। तो ये रही नवाटा जामे मस्जिद, और यहाँ से जो है शॉपिंग का सामान है चीज़ें खरीदने के लिए। तो अभी मैं चला हूँ डल गेट, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। तो अभी जो है मैं डल गेट के पास पहुँच चुका हूँ, और दिखाता हूँ इधर से व्यू कैसा है। यहाँ से हाउस बोट्स लगी हुई हैं, यहाँ पे शिकारा चल रहा है, और यहाँ से शिकारा आप रेंट पे ले सकते हैं,
और देखते हैं अभी इधर पे क्या क्या है दिखाने के लायक, तो दिखाते रहते हैं आपको और बंदे रहे इसी ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा हाउस बोट है, नाइट स्टे के लिए यहाँ पे आप रह सकते हैं। और बाकी यहाँ से सिर्फ शिकारे ही शिकारे दिख रहे हैं मुझे, दूर दूर तक जहाँ तक मुझे नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ शिकारे दिख रहे हैं और हाउस बोट दिख रही है एक साइड से। तो चल रहे हैं अभी हम डल गेट के एक साइड से, बाकी मेरे फ्रेंड्स तो आ नहीं सकते ब्लॉग में, बोलते हैं हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, एक ही ब्लॉग में लाया है सिर्फ, बनते रहे ब्लॉग में। तो फ्रेंड डल गेट के साथ में जो है आर्ट एग्जीबिशन खुला हुआ था, तो अभी हम इसके अंदर आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं खरीदने के लिए, फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने वाला है दिन के बाद, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो यही था कुछ यहाँ पे एग्जीबिशन। तो फ्रेंड्स ये था डल गेट के साथ में जो एग्जीबिशन लगा था आर्ट एग्जीबिशन, तो अब चलते हैं इधर से, देखते हैं अब कहाँ जाएंगे हम। तो फ्रेंड्स अब मुझे नहीं लगता कि और कुछ दिखाने के लायक बचा है यहाँ पे, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ वापस। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, बाय।